अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार। आज की वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे 8 से 9 क्लचेस, वो भी अरबी लोबी के ऊपर। और हाँ यार, आज आपके भाई ने ना शॉटगन के साथ 1v4 किया, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले यहाँ पर अपग्रेडेड कार्ड के ऊपर 1v4 है। ओ भाई साहब, ये बंदा पूरी हील ले गया मेरी। आइए गाइस, तो यहाँ पर आपके भाई ने ना परफेक्ट UMP का ड्रॉप शॉट मारा, 1 HP थी, जल्दी से किट मारते हैं। एंड इसका तीसरा प्लेयर यहाँ पर कतई गलत पुश करने वाला है। भाई साहब, ये भी अल्लाह यहाँ पर ग्लेशियर चमका रहा था। अब इनका 14 प्लेयर क्या ही कवर देता है अपने टीममेट को। भाई साहब, क्या ही लोंडा पीक फायर करा रहा है, कतई पिरो लग रहा है। अब इसका ये वाला अरबी ना मेरे पास खुद चल के आ जाता है, रिवाइव होने नहीं जाता, बिकॉज इसको पता है यार मौत पक्की है, तो रिवाइव होकर क्या करना। अब यहाँ पर आपके भाई की हीलिंग थोड़ी लो थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी और हीलिंग करते हैं। हील होने के बाद ना आपका भाई लास्ट बंदे के ऊपर रश के कमर करने वाला है। आइए यल्ला हबीबी, गुड लोबी माय फ्रेंड। भाई साहब, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अगला जो क्लच होने वाला ना, इससे भी ज्यादा मजे का होने वाला है। सो गाइस, आते हैं हमारे दूसरे क्लच के ऊपर। एंड दूसरा क्लच भी हमारा अरवी येल्लो के ऊपर होने वाला है। यहाँ पर आपका भाई गाड़ी लेकर आ जाता है। एंड ये बंदे यहाँ से जाने वाले होते हैं, बगी पे जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी पे जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर मैं इनको टैप फायर देकर ना रोक लेता हूँ, अपनी साइड बुला लेता हूँ। अरे भाई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। भाई क्या ही नेट कराया यार बंदे ने। भाई अभी यहाँ पर जल्दी से मैं किट लगा लेता हूँ, सीन काफी खराब होने वाला है। अब यहाँ पर आपके भाई ने 3 बंदे डाउन कर दिए थे, 14 बंदा रिवाइव दे रहा था, मैंने कहा चलो जंप कर। अरे भाई भाई, ये बंदा ना कतई पिरो लग रहा है लास्ट क्लच जैसे, तो यहाँ पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, इजी सीन करेंगे। नेट कराने की सोच रहा था, मैंने कहा उससे पहले हील लगा लेते हैं, रिस्क नहीं लेने करे बाबा। तो अभी यहाँ पर आपका भाई ना इस बंदे के मुंह के ऊपर नेट कराने वाला है, सीन देखो। यल्ला हबीबी, गो टू लोबी। सो गाइस, यहाँ पर लास्ट वाले बंदे के साथ ना कतई प्रैंक हो जाता है, बेचारे के मुंह के ऊपर नेट पड़ जाता है, गालियां दे रहा होगा दिल ही दिल में। आते हैं दूसरे क्लच के ऊपर। एंड ये क्लच होने वाला है शॉटगन के साथ। आपके भाई को यहाँ पर मिलती है एक शॉटगन, और आप सीन देखो। अब यहाँ पर मैंने 2 शॉट मारे, बिकॉज यार मेरी पिंग में काफी ज्यादा डिले था, तो मुझे यहाँ पर कोई रिस्क नहीं चाहिए था। इसको नॉक करने के बाद छोड़ देता हूँ, ये बंदा जब रिवाइव हो जाता है तो फिर सीन देखो। आजो आजो मम्मा के बच्चों, आजो लैन बना के आजो, शर्माओ नहीं, शॉटगन आजो। ओ मम्मा के बच्चे, अरबी येल्लो पीछे तो देखो, आजो आजो ऊपर आजो, चावल बन रहे। भाई कतई गलत पड़गी इसको। अब यहाँ पर मैं जंप कर दो, एक बंदा किट लगा रहा होता है, एंड ये बेचारा बेमौत मारा जाता है। अब इनका लास्ट बंदा बचा है। भाई साहब, ये स्पाइडरमैन का बच्चा था, इसको 2 शॉटगन मारने पड़े, 1 HP कर गया। तो ये वाला क्लच आपको कैसा लगा? आई होप आपको इसमें ज्यादा मजा आया हो ना, बिकॉज मैंने पहली बार शॉटगन चलाई। अब ये सामने 3 अरबी देख रहे हो, क्या ही उछल रहे थे भाई। अब देखो यार, जो बादल गरजते हैं ना वो अक्सर बरसते नहीं है, तो सीन यहाँ पर वही होने वाला है। ओहो क्या नेट था भाई, मैं तो डर गया। अब यहाँ पर आपके भाई ने लोकेशन चेंज कर दी थी, तो यहाँ पर इन बंदों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। खैर मेरा इजी क्लच हो जाता। अब ये वाला 1v3 देखो आप लोग। अब यहाँ पर मैं सामने बंदे के ऊपर नेड कर रहा था, ये बंदा राइट से आकर मुझे डैमेज दे देता है, तो यहाँ पर मैं पीछे आ जाता हूँ एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, एंड वेट करता हूँ ये बंदे मेरे ऊपर पुश करे।
ये यल्ला हबीबी। सो गाइस यार सॉरी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सुबह के टाइम मैं ज़्यादा गेम खेलता हूँ तो सुबह के टाइम ही लाइट नहीं होती, 7 से 12 बजे तक, तो हिसाब लगा लो आप लोग। अब यहाँ पर मैंने 2 बंदे डाउन कर दिए थे और अभी आप लोग तीसरे बंदे की चलाकी देखना, लेफ्ट साइड से वो देखो जा रहा है। अब उसको लग रहा है शायद मैंने उसको नहीं देखा, बट मैंने उसको देख लिया है। ओके, तो ये बंदे यहाँ पर घेरा डालने की सोच रहे थे, मैंने कहा चलो जाते हैं लेफ्ट वाले बंदे को पहले पकड़ लेते हैं। अब इस बंदे को मैंने बड़ी आसानी से डाउन कर दिया, लेकिन इनका चौथा बंदा देखो यहाँ पर। भाई साहब, इस लास्ट वाले बंदे के साथ फाइट लेने का काफी ज्यादा मजा आता है। अभी आप लोगों ने मेरे सक्सेसफुल क्लचेस देखे हैं, एक मैं आप लोगों को अपना फेल्ड क्लच दिखाता हूँ, शायद आपको ज्यादा मजा आने वाला है इस क्लच को देखने के बाद। भाई साहब यार, ये क्लच हो जाता ना तो कसम से मजा ही आ जाता। 3 बंदे डाउन थे, ये लास्ट बंदा था और ये देखो ये बंदा कतई पिरो बंदा था, आपके भाई ने इसको नेट से लुढ़का दिया। ओके, तो गाइस यहाँ पर इनके 2 बंदे मैंने नोक कर दिए थे। अब मेरे पास हीलिंग का टाइम था, सोचा हील लगाकर पुश करते हैं, एंड जो बंदे मैंने नोक किए थे वो यहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं। भाई भाई यहाँ पर रीलोड आ जाता है तो मैं पीछे आ जाता हूँ, फिर से किट लगाता हूँ बिकॉज HP 1 हो चुकी है, वेस्ट जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो चलो अभी रश कर लेते हैं। अब इनका लास्ट बंदा यहाँ पर काफी डस चुका था, हीलिंग लो थी, एंड ये बंदा यहाँ पर शायद से हील लगा रहा होता है तो आपका भाई इसको सही टाइम पर पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपका भाई इनके ऊपर रिमोट करता है, बाकी इनके किल मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। सो गाइस, उसके बाद ये वाला हमारा लास्ट 1v4 है, एंड यहाँ पर ये अरबी लोबी के ऊपर ना पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है, तो ये प्लेयर जो है ना काफी ज्यादा ओपी खेलते हैं यहाँ पर। ओके, तो गाइस 3 बंदों को नॉक करके मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, चौथा बंदा इनका गाड़ी लेकर आता है। भाई साहब, लास्ट वाला बंदा यहाँ पर कतई डैमेज हो जाता है, गाड़ी से गिरकर मर जाता है, किल्स मुझे मिल जाते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।